हम लोगों के मांग पे महोदय जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव है बिहार विधानसभा में लगभग दो बार जो है पारित किया है सर्वदल सहमति से महोदय। जो है पिछड़ों और अति पिछड़ों को केंद्र सरकार बोलती है कि गिनती नहीं कराएगी, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है, हर धर्म की गिनती होती है, एससी एसटी की गिनती होती है, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े और अन्य जातियों की इसमें गिनती छोड़ दी गई है महोदय। और हम लोग चाहते हैं महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कई लोगों का काल व्यवस्था सब बोलेंगे तो इनका शून्यकाल समाप्त हो जाएगा। दो मिनट महोदय, हो गया अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में लगातार घमासान मचा हुआ है। इसके पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ था और जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया कि बिहार में जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर अब बिहार में भी एक्टिवनेस दिखाई दे रही, यानी बिहार के विपक्ष जातीय जनगणना को लेकर एग्रेसिव है। नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से पुनर्विचार करने की बात कही थी। अगर एनडीए गठबंधन में बात करें तो बीजेपी को छोड़कर सभी दल जातीय जनगणना को लेकर सजग है और चाह रही है कि जातीय जनगणना हो। वहीं नीतीश कुमार इस मामले में अपना बयान भी दे चुके हैं और सीधे तौर पर यह कहें तो बिहार विधानसभा में 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है और बिहार में जितने भी पार्टियां हैं सभी के सर्वसम्मति से हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना को एक मुद्दा बनाया था और लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी और वो चुनाव में भी इस मुद्दा को लगातार उठाते रहे हैं। अब ये मामला फिर से बढ़ता चला जा रहा है। अगर बात करें बीजेपी के एक विधायक ने मिथिलेश कुमार सीधे तौर पर कह दिए कि हिंदू और मुस्लिमों की जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए, यानी सीधे तौर पे राजद ने इस बात को आड़े हाथों ले लिया है और राजद ने इस बात को लेकर यह भी बातें कही हैं कि अब बीजेपी अपने असली एजेंडे पर आ गई है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस बात को लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। अब एक बार फिर से सुबह सुबह मानसून का सत्र शुरू हो गया और शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाया है और उसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके कुछ बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है कि लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय जातीय जनगणना कराने के संबंध में आज हमने बिहार विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। एनडीए सरकार के देश के 70% पिछड़ों अति पिछड़ों हिंदुओं की जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? केंद्र राज्य के इस वर्गों के कोटे से बने मंत्री इतने नकारा क्यों होते हैं? और सीधा सीधा कहें तो उन्होंने कार्य स्थगन का लेटर भी जारी किया है और जिसमें लिखा है, मैं बिहार विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संगलन नियमावली नियम 97/98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय का कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने फिर से इसकी वकालत कर दी है और तेजस्वी यादव बकायदा इस पत्र के माध्यम से बिहार विधानसभा में अपनी बातों को रखे हैं और इस बात के बारे में कहें कि जातीय जनगणना बिहार में होनी जरूरी है। इसमें उनके कई विधायक की भी सिग्नेचर दिखाई दे रहे, रामानुज प्रसाद सोनपुर, आलोक कुमार सहित कई और विधायक की भी इसमें सिग्नेचर्स बताई जा रही है और वर्ष 2021 में जातीय जनगणना का प्रस्ताव है परंतु भारत सरकार प्रति 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है। यानी सीधे तौर पे अगले साल होने वाले जातीय जनगणना को लेकर अब तेजस्वी यादव ने इन बातों को सदन में रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जातीय जनगणना को लेकर जो बातें सामने आ रही है अब नीतीश कुमार इस फैसले पर, इस मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उसके सहयोगी पार्टी, उनके सहयोगी पार्टी बीजेपी इस बात को लेकर राजी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167000। धन्यवाद।